क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम 12, 8 और 4 इज गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। चलो पहले लेट मी मेक वन क्यूबॉइड, ठीक है, एक क्यूबॉइड बनाते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक क्यूबॉइड बनाते हैं। ओके अच्छा वेट, इसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, रेड से, लेट मी यूज रेड, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि इंटरनल डायमेंशंस आर गिवन टू यू ना, ठीक है। चलो इस तरीके से एक ही रूम बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो आपको दी हैं। डायमेंशंस क्या दिया है, 12 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 4 मीटर। तो ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दिए। तो लेंथ दिए इंटरनल, ठीक है, अंदर की, तो मैं अंदर बना रहा हूँ ऐसे, दिस इज गिवन टू यू 12 मीटर, ओके। और इंटरनल आपको ब्रेथ दिए 8 मीटर, ये दिया आपको 8 मीटर, ओके। और इंटरनल जो हाइट दिए वो दिए 4 मीटर, ये दिया आपको 4 मीटर, ठीक है। अब आपको वाइट वॉश करना है, सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब आपको वाइट वॉश करना है। अब वाइट वॉश कहाँ करना है, एक तो चार दीवारें हैं और सीलिंग में भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द एरिया ऑफ फोर वॉल्स, फिर हम सीलिंग निकाल देंगे, बहुत ईजी है। सीलिंग मतलब छत, ठीक है, ये छत है, ओके, इसका भी निकाल लेंगे। वट विल बी द एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ, अच्छा ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, इंटरनल की बात कर रहा हूँ। एरिया ऑफ फोर वॉल्स विल बी नथिंग बट, अब आप वॉल देखिए, पहले जो फ्रंट वाली वॉल है दैट इज नथिंग बट एल इंटू एच प्लस, ओके, क्योंकि दो वॉल्स हैं आगे पीछे तो 2LH आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप साइड वाली वॉल देखेंगे, इसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ आपको, ये साइड वाली वॉल है, ये क्या जाएगा बी एच, और सेम इसी के ऑपोजिट ये भी वो सेम वॉल है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी एच, ठीक है। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ फोर वॉल, आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, ठीक है, वेरी गुड, आप इसमें 2H कॉमन ले सकते हो और ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस बी, ठीक है। ये तो हो गया एरिया ऑफ फोर वॉल। अब एरिया ऑफ सीलिंग, क्योंकि सीलिंग में भी क्या होना है, सीलिंग में भी वाइट वॉश होना है, एरिया ऑफ सीलिंग विल बी नथिंग बट एल इंटू बी, आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। सीलिंग ये क्या है, छत में ये क्या है, ये तो लेंथ है और ये क्या है विड्थ है बी, तो एल इंटू बी हो जाएगा, एल इंटू बी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट्स कैलकुलेट, ठीक है, एरिया ऑफ वाइट वॉश, टोटल एरिया ऑफ वाइट वॉश वाला हम लोग देख लेते हैं। सो दिस विल बी नथिंग बट ट्वाइस एच, सो ट्वाइस एच, एच इज हाउ मच गिवन टू यू 4, ब्रैकेट में एल प्लस बी, 12 प्लस 8, ओके, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग एल इंटू बी, एल इंटू बी विल गोइंग टू गिव यू 12 इंटू 8, ठीक है। सो दिस विल गोइंग टू गिव यू 4 टू 8 इंटू 12 और 8 20 प्लस 12 इंटू 8, ठीक है। और आप इस पर वट यू कैन डू, यू कैन टेक 8 कॉमन और 20 प्लस 12 आ जाएगा, 8 कॉमन 20 प्लस 12 आ जाएगा एंड द एरिया विल बी 8 इंटू 32। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आई विल नॉट मल्टीप्लाई, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी आपने कॉस्टिंग निकालनी है। अब मुझे क्या दिया है, 1 मीटर स्क्वायर में ₹5 का खर्चा आ रहा है। अब यूनिटी मेथड लगेगा, देखो साफ साफ दिया है ₹5 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो है ₹5, और मुझे तो 8 इंटू 32 मीटर स्क्वायर करना है। सो दैट विल बी मोर, और मोर का फॉर्मूला यू नो, ठीक है, मोर अपॉन लेस इंटू इंडिविजुअल वैल्यू, इंटू इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है। दिस वन इज़ वेरी इजी। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर, ओके। सो मोर इज 8 इंटू 32, लेस इज 1 इंटू 5, ठीक है, एंड दैट विल बी इन रुपीज। सो दिस विल बी 40 इंटू 32 रुपीज़। सो 4 टू द 8, 1 टू 80 रुपीज़ विल बी द राइट आंसर, ठीक है।